नेशनल काउंसिल के कुछ सदस्यों की मीटिंग बुलाने के मामले में शांति भूषण ने बयान दिया है। शांति भूषण ने उन मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने नेशनल काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। शांति भूषण का कहना है कि यह पूरी तरह से निराधार है और वो सिर्फ 28 मार्च को होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे। पंकज जैन हमारे साथ है। पंकज, क्या मामला है, कुछ समझाएं जरा। सुबह से ये खबर चल रही थी कि 28 मार्च को जो बैठक होने वाली है उससे पहले एक बैठक बुलाई जा रही है 27 मार्च को, क्योंकि पूरा मसला दो धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शक एक तरह से देखा जा रहा था कि ये बैठक जो है कुछ रिपोर्ट की आ रही थी कि शांति भूषण भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उसी रिपोर्ट का खंडन किया उन्होंने। उन्होंने साफ कहा है, हवाई बातचीत भी हुई उनसे फोन पर, उन्होंने कहा कि ऐसी किसी तरह की कोई बैठक नहीं होने जा रही है और जो भी बात है वो 28 तारीख को जो बैठक होगी राष्ट्रीय परिषद की उसमें रखेंगे सबके साथ में। निशांत जी, एक और चीज यहाँ पर जो अभी भी एक एक अलग अलग जगह से विरोध के स्वर आ रहे हैं और जो यहाँ पर शांति भूषण का क्लैरिफिकेशन आ रहा है, ये समझा जाना गलत नहीं होगा कि नेशनल काउंसिल की बैठक को लेकर ही अब एक अपने आप में बहुत बड़ा विवाद हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि ये दो धड़े बचते जा रहे हैं और ये विवाद सीधा सीधा है। निशांत, मैं आपको बता दूं क्योंकि पिछली बार जब पीएससी से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को बाहर किया था तो उसके बाद वोटिंग का जो मसला है वो सामने आया था राष्ट्रीय बैठक में। हमने पहले भी ये खबर हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि किस तरह से वोटिंग का प्रस्ताव रखा जा सकता है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर करने का। तो ये खेल जो पूरा रचा जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए है, ताकि एक दिन पहले अगर मीटिंग बुलाई जाती है तो तमाम लोगों को ये बताया जा सके कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कितने बेहतर है पार्टी के। लेकिन दूसरी तरफ ये बयान आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिषद में करीब 300 से 350 के बीच जो लोग हैं वो शिरकत कर सकते हैं, बैठक में रहेंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, लेकिन जो वोटिंग होगी उसके पहले ये पूरा जो विवाद है वो सामने आता नजर आ रहा है।